तो अभी बज रहा है सुबह का 4। पता नहीं चांद भी टाइम से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये देखो पानी पूरे यहाँ पर भर गया। मौसम कैसा हो गया है। पुरी से आने के बाद सबसे पहला काम हमने कराया वो अभी तक की चांद नहीं निकला है। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो करवा चौथ की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बज रहा है सुबह का 4 और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मतलब मैं नहा के थोड़ी सी तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि पूजा पाठ करना। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर लिया है और ये है मेरी मेहंदी जो कि अभी ऑरेंज ऑरेंज लग रही है क्योंकि रात में बहुत सारा काम था। तो वो पूरा काम ख़त्म करने के बाद मतलब बर्तन वगैरह धोने के बाद 12 12:30 बज गया था। मैंने हाथों पे ऐसे गोल गोल लगा लिया था मेरे हस्बैंड की मदद से। तो ये कुछ इस तरीके से अभी ऑरेंज ऑरेंज है। और अब जल्दी से जाते हैं फैनी बनाते हैं। तो सुबह मैं फैनी और चाय बस मैं दो ही चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे कुछ खिलाता नहीं है और चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय पीने से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है फास्ट पे। और दिन भर तो आपको पता ही है कि निर्जला फास्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं सरगी। तो सरगी में जितना भी श्रृंगार का सामान है उसके साथ मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे फैनी भिजवाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो वही फैनी मैं बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं किचन पे फैनी बनाने के। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। एक्चुअली क्या है जब फास्ट रखते हैं और फिर उपास के लिए फरार वगैरह बनाना होता है तो गैस पूरा क्लीन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। किचन का काम करते करते ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो फाइनली मैं भले रात में थोड़े लेट से सोई बट सुबह तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे सब कुछ क्लीन क्लीन मिल रहा है। तो अब जल्दी से मैं फैनी और चाय बना लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने चाय बनने को रख दिया है और ये दूध है जो कि मैंने उबलने को रख दिया है। फैनी बनाना बहुत ही इजी होता है। बस दूध उबालते हैं उसमें शक्कर डालते हैं और फिर बाद में हम डाल देते हैं फैनी। जो मॉर्निंग में सरगी खाते हैं उनको तो पता ही होगा फैनी क्या होती है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देती हूँ। फैनी कुछ इस तरीके से होती है सेवई के जैसे। तो जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम डाल देंगे फैनी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डालने के बाद किस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो रही है। मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती बट फैनी खाना बहुत ज़रूरी होता है। फैनी खाने के बाद से ही हमारा फास्ट स्टार्ट होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फैनी। यहाँ पे चाय भी बन के हो चुकी है रेडी। हमारी फैनी भी बन के हो चुकी है रेडी। आप चाहें तो फैनी में आप जैसे सेवई बनाते थे उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें डाल सकते हो। हमारा फैनी और चाय दोनों बन चुका है तो जाते हैं और जल्दी जल्दी से खा लेते। तो ये है हमारी सरगी। और अभी 4:15 बजे का टाइम हो चुका है। 15 मिनट हो गए मुझे। तो गाइज आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि अभी सिर्फ 4:15 हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो सरगी होती है ना वो तारों की छांव में खानी होती है। मतलब जब तक कि उजाला नहीं होता है उसके पहले तक ये सरगी खा लेते हैं। थोड़ा सा भी उजाला होने लग जाता है ना तो उसके बाद सरगी नहीं खाते। तो इसीलिए तारों की छांव में सरगी खानी होती है। देख सकते हो कि बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो हम जाते हैं जल्दी जल्दी से अपना सरगी खा लेते हैं इससे पहले कि चाय भी ठंडी हो जाए। गाइस तो बस मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ और यहाँ पे चिड़िया आ गई है जो मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर है। भग गई चिड़िया। एक्चुअली हमारा घर ऐसे जगह पे हमारा घर है ना कि यहाँ पे चिड़िया और सभी प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे और हमारे घर पे तो आते ही रहते हैं। चिड़ियों का आतंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी किचन वाली विंडो है
वहां पे चिड़िया हमेशा अपना घोंसला बना ही देती है, तो अभी भी घोंसला बनाने की तैयारी में है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हमारे यहाँ कल नए रेंट पे आ चुके हैं। बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ था, लगभग 1.5-2 महीने से खाली पड़ा हुआ था। सुबह जब मैं फैन खाने के लिए उठी थी, तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, और मैंने आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखाई थी ना, कि छोटी छोटी लगाई थी। तो देखो, हमने थोड़ी सी डिज़ाइन बना ली है, और मेरे हाथ पे मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड की भी सेम मेहंदी है, और उनके हाथ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। देखो, मैं अभी पिक लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो कि हम दोनों ने सेम मेहंदी लगाई थी। जब मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि मेरे को भी ऐसी वाली मेहंदी लगा देना करके, क्योंकि हर साल ना क्या होता है कि मैं जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, उसमें मैं बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा लेती हूँ, और राइट हैंड का मुझसे बनता नहीं है लगाते हुए। तो मेरे हस्बैंड ऐसा गोल गोल कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं, और फिर सुबह जल्दी उठना भी था, लेट भी हो चुका था, तो इस वजह से ना मैंने सिर्फ राउंड राउंड सा कर दिया। फिर सरगी खाने के बाद नींद नहीं आ रही थी, फिर हस्बैंड भी उठ गए, और इसीलिए फिर हमने ऐसे मेहंदी लगा ली। अब पता नहीं इसमें कलर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था लगाए। एंड गाइज, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो वॉशिंग मशीन को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मुझे ऊपर जाके कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कलर थोड़ा चेंज लग रहा होगा, और नीचे का भी आपको कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कि वॉशिंग मशीन के जो साइड साइड से था ना, ये जो बॉडी बॉडी बोलते शायद, तो इसकी जो बॉडी है ना, वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन की सारी मशीन जो है ना, वो नीचे धस गई थी। पूरी से आने के बाद सबसे पहला काम हमने कराया, वॉशिंग मशीन ठीक कराई, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए, और मैं हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं धो पाती, और मेड भी नहीं मिल रही है। वॉशिंग मशीन का काम कराने में हमें लगभग 3,000 रुपये लग गए इसको बनवाने के लिए। हम तो सोच रहे थे कि हम नई वॉशिंग मशीन ले लेंगे फुली ऑटोमेटिक, तो वो भैया बोलने लगे कि वॉशिंग मशीन के जो अंदर की बॉडी है वो बहुत सॉलिड है। मतलब हमने बिना सोचे समझे वॉशिंग मशीन बनवा ली, तो ये भी काम हमारा हो गया है। अब शायद ये खराब नहीं होगी। अब करती हूँ मैं पूरे घर पे झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम बस बचा हुआ है। उसके बाद मैं पहनूंगी कोई भी प्यारा सा सूट, और फिर मैं रेडी होऊंगी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ना मॉर्निंग से रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, पर छोटे छोटे काम होते हैं तो वो कंप्लीट कर ले। तो मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, और आप लोग से डायरेक्ट मैं तैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो गाइज, मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, और बाहर का मौसम इतना गंदा हो गया, इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं चांद भी टाइम से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ पानी कहाँ तक आ गया है। तो गाइज, ये देखो पानी पूरे यहाँ पर भर गया, और मौसम कैसा हो गया है। हवा की आवाज तो आप लोगों को आ ही रही होगी, आज टाइम से चांद नहीं निकलने वाला। तो गाइज, आ चुके हैं हम छत पे, और अभी तक ये चांद नहीं निकला है। एक्चुअली एक बार निकल के वापस से जा चुका है। अब हम कर रहे हैं चांद का वेट, है ना बेबी। जैसे जैसे शाम होती गई, वैसे वैसे मेरी मेहंदी में बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया था। मतलब मेरी मेहंदी का कलर ब्लैक हो चुका था, और इस बार का जो लुक था ना, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा था मैंने। जब मैंने रेड कलर की साड़ी ऑर्डर करी थी, तभी मैंने अपना लुक डिसाइड कर लिया था कि मुझे किस तरीके से रेडी होना है करवा चौथ में। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो रेड साड़ी है वो पूरी प्लेन साड़ी है, और ब्लाउज में बस थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने इसके साथ कोई भी हैवी ज्वेलरी वेयर नहीं करी है, क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये बहुत ही सिंपल लुक में ही अच्छा लगेगा। मुझे हेयर स्टाइल बस करनी नहीं आती है, बट इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं जूड़ा करने वाली हूँ। तो जूड़ा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और आप देख सकते हो कि जो मैंने जूड़ा लगाया हुआ है वो भी कितना प्यारा लग रहा है।
इस बार तो चांद वक्त से पहले ही निकल गया था, मतलब 8 बजे जब मैं रेडी भी नहीं हुई थी तभी चांद निकल गया था, और जब तक हम ऊपर गए तब तक के चांद छिप भी चुका था। फिर हम जब छत पे गए तो हम डायरेक्ट 12 बजे नीचे आए हैं और चांद दोबारा निकला ही नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके चांद को अर्घ दिया और पूजा करी, उसके बाद मेरा फास्ट कंप्लीट हुआ तो रात के 12 बज चुके थे। तो गाइज़ मैंने तो करवा चौथ इस साल का कुछ इस तरीके से मनाया, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे हो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइज़।